सबने एंजॉय किया, अच्छे से सेलिब्रेट किया, और आगे भी अच्छे से सेलिब्रेट करोगे। इतने बच्चों ने बाजे खरीदे। अब एक बात सुनो, पाकिस्तान है ना हमारा घर है, हम सब इसमें रहते हैं, हमें इसका ख्याल रखना है। बनाने वाले तो बनाकर देकर चले, अब आपको और मेरा क्या काम है? इसका ख्याल रखना, इसको मजीद अच्छा और बेहतर बनाना। हम तो रह रहे हैं और बड़े शान से रह रहे हैं, बड़े फखर से रह रहे हैं। ऐसा रहो कि हमारे बाद आने वाली जनरेशन के लिए हम कुछ अच्छा छोड़ के ही ना जाएं। तो बहुत अच्छी बात की अभी सर मुर्तजा ने भी, सर तारिक ने भी, और आपको बहुत अच्छी बात समझाई और सिखाई। मैं सिर्फ एक बात पर फोकस करना चाहूंगा, आवाजें आ रही है ना अभी हम तमाम बाजों की, हम सुबह से यहाँ पर बैठे हुए इतने अच्छे तरीके से प्रोग्राम कर रहे हैं, मिली नगमे पढ़ रहे, तकरीरें सुन रहे, बात कर रहे हैं आपस में, तो ये बाजों की आवाज कितना परेशान कर रही है। सुन रहे हैं ना अभी भी आप? तो बेटा हमें इन बातों से इज्तनाब करना है। बाजे खरीद कर एक तो आपके पैसे का ज़िया, दूसरा जब आप इसको बजाते हैं तो इससे जो कान में बीमारियां पैदा होती हैं, किसी घर में कोई मरीज हो सकता है, कोई बड़ी उम्र का कोई बुजुर्ग हो सकता है, किसी की तबीयत खराब हो सकती है, हो सकता है कोई रात को ड्यूटी देकर आया हो और अभी थोड़ा आराम करने की कोशिश कर रहा हो, तो कितनी दिक्कत होगी उसको। तो हमने कोशिश करनी है कि हम अपने मुल्क को अच्छा रखें, साफ सुथरा रखें। ये बाजे बजाना नॉइज पॉल्यूशन है, आवाज की आलूदगी, हमें नहीं करनी। आप अपने घर पे झंडा लहरा रहे, बहुत अच्छी बात है, लहराइए। जब आज का दिन आप अच्छी तरह से गुजार लें तो उसको उतार के, संभाल के, तय करके रख दीजिए। ये इधर उधर गिरा हुआ जमीन पर नजर ना आए, ये झंडियां जमीनों पर गिरी हुई नजर ना आए। सिर्फ उतना ही इस्तेमाल कीजिए इन बंटिंग्स का, इन झंडियों का, जितना आप कर सकते हो। आप लोगों ने बैजेस खरीदे, बहुत अच्छी बात है, इनको संभाल के रखिए। जो बैंड्स पहने हुए इनको अगले साल के लिए संभाल के रखिए, क्योंकि फिर बड़ा अफसोस होता है जब हम लोग आम दिनों में गुजर रहे हो, हमारे पैरों तले आ रहे हो कचरे की सूरत में। तो सिर्फ ये नहीं कहना कि पाकिस्तान हमारा वतन है, हम इससे प्यार करते हैं, अपने अमल से साबित कीजिए कि हमारा वतन है और हम इससे प्यार करते हैं, ठीक है? तो इससे ज्यादा आप लोगों से और बात नहीं करेंगे कि फिर वो बात जहन से निकल जाएगी। बहुत मुबारक हो बेटा आप सबको पाकिस्तान का आज का ये दिन, और अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा आप भी तमाम बच्चे, छोटे बच्चों की दुआएं तो ज्यादा कबूल करते हैं अल्लाह पाक। तो आप सब दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को कायम व दायम रखे, इसके खिलाफ जो भी अनासे, जो भी साजिशें करें उनको नेस्तो नाबूद करे, हम सबको आपस में मोहब्बत से रहने की तौफीक दे, हम सबको आपस में अखुवत से रहने की तौफीक दे, हर किस्म की बात से, नस्ली तासुब से ऊपर होकर, पाक होकर, ठीक है? चलिए छोटे छोटे से नारे हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं, मिलकर लगाते हैं। पाकिस्तान कायदे आजम, पाकिस्तान मिलन पब्लिक स्कूल, नहीं सुनाई दिया मिलन पब्लिक स्कूल, नाश्ता भी नहीं किया हुआ मिलन पब्लिक स्कूल, थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि जाग गए हो, सो गए थे क्या पहले? नहीं, चलिए दोबारा सुनते हैं, पाकिस्तान। अरे वाह माशाल्लाह। चलिए जरा सर प्लीज सामने आइएगा, सालों में सर से मुलाकात होती है बच्चों की, सर मुर्तजा से रिक्वेस्ट करूंगी सर प्लीज आप भी यहाँ आए, सर तारिक प्लीज आप यहाँ आइए। ये हमारे इसके पार्टिसिपेंट बच्चे थे, उनके लिए हम उन बच्चों को आज ये सर्टिफिकेट देना चाहेंगे, और इंशाल्लाह आज के दिन जितने बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया, चाहे वो स्पीच था, चाहे वो मिली नगमा था, टैबलो था, बेटा आप सबके लिए भी हमने जो है सर्टिफिकेट्स बनाए हैं, लेकिन वो इंशाल्लाह हम आप लोगों को डिफेंस डे के प्रोग्राम में देंगे। आज था 14 अगस्त आपका, अगला प्रोग्राम इंशाल्लाह 6 सितंबर के लिए हम प्लान कर रहे हैं, वो है डिफेंस डे, यूनिटी फॉर पाकिस्तान, ठीक है? तो उस दिन हम आपको ये तमाम के तमाम के सर्टिफिकेट देंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी टीम ए और टीम बी दोनों पार्टिसिपेंट्स आज के क्विज के स्टेज की साइड पर आइए, ताकि जिस बच्चे का नाम दिया जाए वो बच्चा आके अपने अवार्ड रिसीव करे। सर अली प्लीज आप भी स्टेज पर आइए, सुबह से सर हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, माशाल्लाह आज तमाम टीचर्स ने बहुत अच्छा काम किया। बल्कि मैं इसी तरह से रिक्वेस्ट करूंगी और चाहूंगी कि अगर मिस फिरदौस ऊपर है मिस फिरदौस ऊपर, मिस प्लीज स्टेज पर आइए, बहुत अच्छा आप लोगों ने आज के दिन को मैनेज किया है। मिस किरण प्लीज आप भी स्टेज पर आइएगा, आप बच्चियों ने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया आज के दिन को, आइए प्लीज आप भी स्टेज पर, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा आज इनका। अगर अस्मा सुगरा दोनों नहीं आ सकती तो एक बंदा तो जरूर आ जाए, मिस सुगरा आ जाइए
आई एस वो पिक्चर्स वगैरह ले रही है। बहुत अच्छा टीम वर्क माशाल्लाह से आज हमें यहाँ पर काम करते हुए नजर आया, तो बहुत हौसला अफजाई भी होगी इन बच्चों की। मिस किरण प्लीज आइए आप स्टेज पर बेटा।